की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट के एक डैशबोर्ड, एक विजुलाइजेशन बनाने जा रहे हैं जो कि हमने एक्सेल में इस तरह से बनाया हुआ है। और हम सिमिलर, पूरा का पूरा टिट्टो तो नहीं होगा बट सिमिलर ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें से डेटा को अलग किया, ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा को सबसे पहले पावर बीआई में लेके आते हैं। तो यहां हमने गेट डेटा पे गए, एक्सेल को सिलेक्ट किया और डेस्कटॉप पे हमारे पास डैशबोर्ड 4 है, हमने इसको ओपन कर लिया। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको। उसके बाद हमारा C21 पे डेटा है, तो C21 को सेलेक्ट कर लिया हमने एंड हम इसको लोड करते हैं। ओके, डेटा आ गया। तो हमारे सामने यहाँ डेटा है, यहाँ पे C21 पे डेटा है। अब एक बार विजुलाइजेशन को दोबारा देखते हैं कि क्या चाहिए, राइट, हमें आखिर चाहिए क्या। सबसे पहले तो टीम वाइज हमारा स्लाइसर आपको दिख रहा होगा, स्लाइसर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार हटा देते हैं और हम इंसर्ट पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम तीन पर और मेंस पहले। सर इसका विजुलाइजेशन थोड़ा सा तैयार करना होता है, मैंने बोला आप लोग तैयार करके देते तो हम इस सब इतना टाइम हमारा नहीं लगता ना सर। उसके बाद मुझे यहाँ पे टीम वाइज रैंकिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्लाइसर को लिया और यहाँ पे स्लाइसर ही होगा क्योंकि फिल्ट्रेशन उसकी पूरी रिपोर्ट इस पर चेंज होनी चाहिए ना, तो हमने टीम को यहाँ पे रख दिया होगा। तो टीम हमारा आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है वर्टिकल, क्या वर्टिकल होगा ये? एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है सर, मैंने देखा था बहुत, अगर आपको पता है तो बताओ। नहीं मुझे भी, मैंने भी कभी ऐसा किया नहीं है, तो एक बार चेक कर। जनरल है आपका मल्टी कलर, कलर आप इसमें से ब्लू कर देता हूँ एक बार। ऐसे आउटलाइन मैंने दिया, आउटलाइन नो कर देता हूँ मैं। वर्टिकल के पोजीशन है आपका वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल करें। आ गया सर? आउटलाइन में ओरिएंटेशन की, हाँ ओरिएंटेशन को लेकर चलेंगे। हो गया। अब इसकी बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ ब्लू करना,
सिलेक्शन मोड, स्लाइसर हेडिंग नहीं चाहिए, बैकग्राउंड ऑन है, और वाइट के जगह पे हम इसको ब्लू करना चाहते हैं। ये तो ब्लू में तो ये आ गया, ब्राउन बैकग्राउंड तो चाहिए ही नहीं समझ लीजिए। बॉर्डर सही है, चलिए इसका डिफॉल्ट कलर स्लाइसर फॉन्ट बैकग्राउंड वाइट हेडिंग का, स्लाइसर हेडिंग देना ही नहीं है, हटा दीजिए। स्लाइसर कंट्रोल सही है, जनरल सही है, ओके। तो हमारा दो चीज हो गया, फिर ऊपर हमारा टीम का आ गया, राइट, क्लियर है। अब मुझे यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, यहां पे टीम, जो टीम सिलेक्ट करूंगा उस टीम का डेटा आना चाहिए, समझे। हेलो, सेलेक्ट करूंगा उस टीम का आना चाहिए। तो अब जैसा है इस तरह से तो नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करता हूं। टीम को मैंने उठा के यहां रख दिया, तो टीम ये आ रहा है। हम कार्ड भी तो ले सकते हैं ना? क्या सर यहाँ पे कार्ड भी? हाँ कार्ड ले सकते हैं ना? हाँ मल्टी रो कार्ड, हम एक ही कार्ड होगा ना, यहाँ पे कार्ड ले लेते हैं। कार्ड में हमने टीम को यहाँ रखा और यहाँ पे हमारा टीम ए आ गया, राइट। चलो सही आपने बोला था, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टी रो कार्ड रखेंगे तो इसे कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे इस टीम का ओवरऑल रैंकिंग भी चाहिए, एंड ओवरऑल रेटिंग और ओवरऑल रैंक चाहिए। तो ये जो ओवरऑल आपका रेट है ना, ये जो आप दिख रहा है टीम, टीम F41 म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। ये जो रेटिंग ये आपका ओवरऑल रेटिंग आता है F141, तो मैं यहाँ टीम में इसी के F141 पे जाता हूँ। और कहाँ गए परसों, ये आ रेटिंग, तो रेटिंग क्या है, वी लुकअप लगा हुआ टीम ए इसमें है, बी में, बी 118। अच्छा यहाँ पे अच्छा इस सम किया हुआ, सम वाइज समिप किया हुआ, तो ये समिप किसका है, लॉगिन आवर का है। रेटिंग होना चाहिए ना, फिर बस देखना चाहता हूँ कि इसने रेटिंग के लिए क्या लगाया हुआ है। तीन चीजों का रेटिंग निकाला है उसने, तीन चीजों को मिलाकर, जैसे कि यहाँ ओवरऑल रेटिंग में देखो अभी क्या क्या उसमें, प्रोडक्टिविटी रेटिंग, कास्ट रेटिंग और ओवरऑल रेटिंग का तीनों का मिलाकर वो पूरी रेटिंग दिया उसने। जी हाँ जी हाँ, सही सही कहा आपने। उसमें अभी पूरी टीम का एक एक निकालना पड़ेगा।
नहीं, पूरे दिन का निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, मैं बस फॉर्मूला लगा। अपने डाटा में निकाला है लेकिन वो सेपरेटली निकाला है हर एक नहीं टीम पर्सन। वो सम हो जाए, ये आपका जो आ रहा है रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग आ रहा है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का जो रेटिंग है, तो प्रोडक्टिविटी की रेटिंग में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है ना, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला समझिए क्या है आपका, किसने क्या किया हुआ, रेवेन्यूज पर आवर दिख रहा है आपको ना सर, तो एक मिनट किसी उसने क्या किया है, जितना उसका निकला है उसका मैक्स ओवरऑल रेटिंग है ना, ओवरऑल रेटिंग में इसने तीनों का सम किया हुआ है, यू वी डब्ल्यू यहाँ पे UVW, वो फाइव ढाई, ये आपका रेवेन्यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू रेटिंग, प्रोडक्टिविटी रेटिंग एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन रेटिंग, सेटिस्फेक्शन रेटिंग, सर्टिफिकेशन रेटिंग, तीनों का सम किया हुआ है। ये रेटिंग कैसे निकाला हुआ है, तो ये लिखने निकाला हुआ है कि रेवेन्यू का जो रेट है उसको डिवाइड किया हुआ है मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई फाइव, क्योंकि मल्टी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई फाइव, जित फाइव क्यों किया पता नहीं, फाइव इसलिए किया है वो 10 रेटिंग है, वो देखो इसमें फाइव है, आप प्रोडक्टिविटी रेट में ढाई है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट में ढाई है, पांच उनका मिला किया ना, वो पांच ये ढाई ढाई और वो दोनों सब मिला के 10 और उसका ओवरऑल रेटिंग है 9.62। एल 118 पे आते हैं सबसे पहले, हाँ जैसे कि टीम का रेवेन्यू, टीम का जो रेवेन्यूज है उसमें उसको मल्टीप्लाई उसको डिवाइड किया हुआ है मैक्सिमम फाइव। अभी इसमें अगर आपको रेवेन्यू निकालना है उसका क्या रेटिंग का, हाँ रेवेन्यू तो रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या करना है, तो रेवेन्यू रेट में, रेवेन्यू रेट में है कि जैसे टीम ए का निकालना है तो टीम ए का टोटल डिवाइड बाय उस मैक्सिमम ऑल टीम में से किसका मैक्सिमम है उसमें डिवाइड करने का, फिर उसको इनटू फाइव करने का। हेलो हाँ समझ गया, अब यहाँ करना है हमें, तो पहले है तो सम निकालना पड़ेगा प्रॉपर एक ए टीम का, बराबर सर, हेलो हाँ समझ गया सर, मुझे यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा ना, हाँ इसमें मेजर लगेगा क्या लगेगा, मेजर से दिक्कत आ रही, फिर मेजर्स कनेक्टेड कैसे होगा हमारे इससे, मेजर्स में लगा दूंगा लेकिन ये हमारे इससे कनेक्ट करना है ना हमको, स्लाइसर से, पहले स्लाइसर से, मेजर स्लाइसर से कनेक्ट नहीं होता, नहीं प्रॉब्लम है ना, फिर कैसे करेंगे, स्लाइसर से नहीं होता, हमें ए लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने टीम ले लिया तो हमें यहीं पे कुछ करना पड़ेगा, या न्यू टेबल क्रिएट करें, हेलो न्यू टेबल क्रिएट करें, नहीं मैं टेबल क्रिएट करने की जरूरत, न्यू टेबल होगा तो फिर वो स्लाइसर से लिंक कैसे होगा, फिर रिलेशनशिप करना पड़ेगा ना, रिलेशन तो करना ही पड़ेगा, अब इसे हमारे एक मेरे मेरे वो करने की जरूरत क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी है इसमें रेवेन्यू रेटिंग, लेकिन वो हर एक इसका है, मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक ट्रांजेक्शन का है तो इसका हम सम कर लेंगे ना, एवरेज कर लेंगे, देखो क्या एवरेज कर लेंगे, हाँ देखो ना, मैंने देखा नहीं लेकिन देखते बराबर आ रहे हैं, एवरेज कर लेते हैं यहाँ पे आते हैं, हमने एक कार्ड लिया, कार्ड ही लेता हूँ फिलहाल, नहीं मल्टी मल्टी नहीं कार्ड ही सही रहेगा, कार्ड लिया और इस कार्ड में हमने क्या डाला, तो हमने डाला अपना रेवेन्यू रेटिंग, तो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे आ गया हमारा, ओवरऑल रेटिंग और क्या है,
ये निकालने के बाद भी फिर भी गलत ही हुआ वो और ओवर क्लाइंट मैं कर देखता हूँ, ओवर एडिटिंग आया और इसमें हमारा यहाँ पे फिल है, ड्रिल फिल सम के जगह पर एवरेज करता हूँ 8.90 आ रहा है ना, 9.62 आ रहा है। हमको पूरे टीम की एक अलग से निकालनी पड़ेगी हर एक टीम की। हेलो हाँ सुन, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे रेटिंग में यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम पेट का टाइप दी क्योंकि कैलकुलेशंस में हम मेजर्स की इसको अपने इसको कर नहीं पाएंगे। देखना होगा इसको सर, क्या मान लीजिए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक्सेल की तरह कैलकुलेशन यहां तो कर नहीं सकते ना। अगर मान लीजिए कि हम रेटिंग निकाल भी देते तो फिर ये लिंक कैसे होगा? ओके एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, चलिए वो जो किया है उसी तरह काम करने की कोशिश कर। सर इस पर यहाँ पे सीधा रॉ डेटा पे कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं हम? रॉ डेटा में बेसिकली रॉ डेटा में कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे जो इसने कैलकुलेशन किया हुआ है रॉ डेटा का सम ऑफ वर्क किया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे इसने सम किया हुआ है और सम में उसने अलग अलग रेवेन्यू निकाला हुआ, तो जैसे एक कैलकुलेशन किया हुआ ऐसे कैलकुलेशन हमें करना होगा सर। सम इफ्स कहाँ से ले रहा है? ये सबमिट डेटा पे से दे रहा है, डेटा का सबमिट। हाँ तो डेटा में हमारे पास ये फील्ड अवेलेबल है फिर, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना आपका, जैसे देख रहे हैं आप कैलकुलेशन रेटिंग का कैलकुलेशन है, जैसे कि इसने रेवेन्यू रेटिंग निकाला हुआ है, तो रेवेन्यू रेटिंग निकाला हुआ है कि जो रेटिंग जो रेवेन्यू है उसको उसने क्या हुआ है डिवाइड इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई 5 से L118 समझे, तो इसीलिए इसमें इसका उप है इसका नथिंग इम्पॉसिबल। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे न्यू टेबल का न्यू टेबल एक क्रिएट करके इससे मैं न्यू टेबल लगा रहा हूँ और न्यू टेबल में मैं लगाता हूँ फॉर्मूला ऑल यहाँ पे टीम के नाम से मैंने किया टीम डी के नाम से और यहाँ पे मैंने क्या किया मैंने किया ऑल में हमने यहाँ पे दे दिया कि मुझे सीट वन का टीम चाहिए, तो इससे क्या हुआ कि मुझे इसमें सारा टीम का टोटल आ जाए। लिस्ट आ गया सर, अब इसमें मैं यहाँ न्यू कॉलम ऐड करूंगा और यहाँ पे डालूंगा रेवेन्यू और यहाँ पे हम क्या डालेंगे समेक्स समेक्स या कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं इसमें हम क्या कैलकुलेशन करते कैलकुलेट कैलकुलेट में हम बोला सम
सम किसका सम? हमने बोला सीट का रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू का सम। ओके और रेवेन्यू का फिल्टर, फिल्टर में हम बोलेंगे कि सीट का टीम, टीम इज इक्वल टू टीम का टीम। ठीक है, देखो लग रहा है कि नहीं आया इरश। टीम सम तो आ जाएगा, वो ऑल किया है ना उसके सामने, वो रेवेन्यू का कॉलम डाल दो उसमें तो आ जाएगा, लेकिन वो बाद में सम ऑल टीम लिया ना आपने, हाँ उसके साथ कॉलम करके उस रिवेन्यू का ये कर दो। ये आप ये बोल रहे हैं कि ऑल हम लगाएं और यहाँ पे क्या करें? नहीं 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 पहला ऑल लगाया ना, पहला ऑल लगाया, ऑल यहाँ लगा हुआ है ना, ऑल लगा दिया ना हमने, रिवेन्यू आप बोल रहे हैं ना। हाँ रिवेन्यू नहीं आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे समिक्स करना पड़ेगा। नहीं नहीं पहले इसमें करो ना, टीम में जाओ पहले इस, ये इसको इस कॉलम को हटा दो। हेलो इसमें बोल रहे हैं आप लगाने के लिए, हाँ पहले कॉलम पर जाओ, हाँ उसके सामने उसके बाजू में ही कोमा डाल के, कोमा डाल के रिवेन्यू का ये कॉलम सिलेक्ट करो। आपसे तो नहीं आना चाहिए, नहीं आया ना, गलत आया, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, नहीं आया गलत आया ना सर, गलत आया, पूरा डेटा दे दिया इसने, यहाँ पे समिक्स लगाना होगा। चलिए कैलकुलेट नहीं होगा, समिक्स हो जाएगा। सम एक्स लिया, सम एक्स में हमने फिल्टर दिया, फिल्टर में हमने लिया सीट वन और हमने बोला कि फिल्टर में टीम इज इक्वल टू टीम टीम और फिल्टर कॉमा हुआ, किसका सम करना है तो रेवेन्यू आ गया सम। अब किसका इसका टोटल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, रेवेन्यू आ गया, अभी इसको मैक्स निकालो। नहीं हाँ वो तो आप निकल जाएगा, वो दिक्कत नहीं, रेवेन्यू रेटिंग, प्रोडक्टिविटी रेटिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो प्रोडक्टिविटी रेटिंग क्या है? प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट का सम निकालो, उसको उसका हाईएस्ट पकड़ो, उसका भी सम निकालो, प्रोडक्ट का भी वही का फॉर्मूला प्रोडक्ट पर डाल दो। रेवेन्यू नहीं, इसमें तो एम किया हुआ है प्रोडक्टिविटी में, सेल्स पर आवर, रेवेन्यू पर आवर्स, वो तो ये है ना उसका डिवाइड है ना जितना आया है उसका रेवेन्यू, जी एडिट या टोटल है ना इसका, रेवेन्यू पर आवर का तो हमारे पास ऑलरेडी है इसमें डेटा, वो भी ये लॉगिन आवर है ना, लॉगिन आवर का टोटल किया, ये पूरा करना पड़ेगा समझे, टोटल पूरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ टोटल पूरा करना पड़ेगा, फिलहाल मैं एक नॉक काम करके इसका ये ओवरऑल रेटिंग रेवेन्यू रेटिंग डाल देता हूँ। ठीक है मतलब कि इसने यहाँ से कोई मतलब इसका नहीं किया हुआ है ना, ये गलत किया, फिर यहाँ पे इसने रेवेन्यू या ओवरऑल रेटिंग क्यों निकाला? हाँ कौन सा वाला? यहाँ अगर उसने गलत, वो उसने गलत किया है, वो पागल है मालूम नहीं कौन है वो, मैंने देखा पूरा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ फिर उसको नीचे ही करने गए थे। ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे देखिए ये टेट हुआ ना, खाली डाटा ही ले लेते पूरा। अब इसमें इसने क्या किया है, इस एक मिनट,
ये यहाँ देख रहा हूँ ना, इसी को कर सकते हैं आगे हम। हाँ यही वाला सेम। इसने इसने किया हुआ L2 मैक्सिमम करके, वही मैक्स मल्टीपल 5 किया हुआ है सारा, और यहाँ भी सेम इसने ऐसे ही किया हुआ है, और आपका इसने ऐसे ही किया हुआ है, और यहाँ पे इसने जो एवल रेटिंग में इन तीनों को सम किया हुआ है, एवल रेटिंग आ गया। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ये आपका आ रहा है, प्रोडक्टिविटी जो आपका आ रहा है प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे कस्टमर रेटिंग। तो कस्टमर रेटिंग जो है ओके, इसका सम तीनों का सम यहाँ निकालना होगा, ठीक है सर। तीनों का सम जब निकाल लेंगे तो हम इजीली यहाँ पे इसका रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ में रेवेन्यू आरएलबी, रिवेन्यू हो गया ना, अभी अभी प्रोडक्टिविटी रेट निकालो उसका, पहले ये नहीं करो मैं आपको सब। बता देता हूँ कैसे रेट निकलेगा। तो हमने आगे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आरईवी रेवेन्यू डिवाइड बाय मैक्स, मैक्स में रिवेन्यू आरईवी शीट मल्टीप्लाई बाय 5 पे को जाना है, ए रेटिंग आपका आ गया। सेंटेक्स इज अच्छा, मैक्स का मैं ब्रैकेट नहीं क्लोज था है। सही ब्रैकेट फालतू, ठीक है आ गया सर। अब यहां पे अपने ओवरऑल में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना जो यहाँ पे जो रेवेन्यू रेटिंग है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, नहीं एक टीम में हम लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल में लिखता हूँ रेवेन्यू रेट। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है, ये टीम ए से लिंक नहीं किया, इसकी एक बार रिलेशनशिप करता हूँ। ये इसलिए मैं अलग शीट टेबल नहीं बना रहा था क्योंकि फिर वो हमारे स्लाइसर से लिंक नहीं होगा। लेकिन वो तो हो भी तो नहीं रहा ना अलग, इसमें डायरेक्ट मेजर्स भी नहीं लग सकते, ये नहीं हो सकता, तो टीम में यही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक काम करता हूँ, मैं इसको लिंक करता हूँ, मैं चाल भी गया। टीम यहाँ पे वो ये कर देता हूँ, इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ ना, फिर ज्वाइन हो गया, हो गया ना सर। अब मैं अगर डेटा में आता हूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 40 समय आ रहा है पूरा। अब यहीं पे दिक्कत हुआ कि हमारा इससे कनेक्टेड कैसे होगा स्लाइसर। तो अगर मैं इस पे स्लाइसर कर दूँ, अगर हमें स्लाइसर इंसर्ट किया इस स्लाइसर में, अगर मैं इसका टीम लेता हूं, तो हो तो रहा है सर, टीम ए सेलेक्ट कर लिया हमने, तो टीम ए और डी यहाँ पे बी किया हमने, यहाँ ओके इसको सेलेक्ट हटा रहे थे। अब इसका कुछ करना पड़ेगा सर, मुझे एक बार देख लेता हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है पहले। ये लिंक नहीं हो रहा है, सम आ रही है क्या उसमें? हाँ इसका सम दिखा रहा हूँ,
येलो है ना, अब मान लीजिए इसको हटा दिया मैंने और फिर मैं यहाँ स्लाइसर देता हूँ, हो सकता है स्लाइसर मैंने बाद में लगाया है इस कारण से दिक्कत हो। और इस पे अगर मान लीजिए मैं इसका टीम ले लेता हूँ नीचे टेबल का, तो क्या अगर मैं अगर टीम ए सेलेक्ट करता हूँ टीम बी, हाँ चल तो रहा है, हो तो रहा है, हमें स्लाइसर बाद में लेना है, समझ गए ना? इसका लिंक नहीं रहता है अपने एक्सेल में, रहता है सर लिंक के कुछ करना बाद में, स्लाइसर आपको बाद में रखना हो जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, आगे काम आप लोग कर लीजिएगा या अगली क्लास में मैं आपको आगे काम बता दूंगा।